दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी बैंक है इंडिया में, जितने सारे बैंक हैं, उसमें जब जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलता है तो आपको कैसे पता चलेगा, या फिर हम लोग कैसे पता करते हैं जो सबसे पहले आपके पास वीडियो लेके पहुँच जाते हैं। तो आज मैं आपको वही प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आपको भी हमारे जैसा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप भी जान पाएंगे रिक्रूटमेंट नोटिस जब निकल रहा है। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगा वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताना चाहा, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कुछ समझ में नहीं आए तो। दोस्तों पहले आप गूगल पे जाएंगे, उसके बाद आप जिस भी बैंक का रिक्रूटमेंट जानना चाहते हैं उस बैंक का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्लैश देके वहाँ पर कैरियर लिखेंगे, CARREER। कैरियर लिखने के बाद सर्च करेंगे, ठीक ऐसा मैंने जैसे लिखा है SBI कैरियर, यहाँ पर हमने सर्च करने के बाद ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है होम कैरियर SBI। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि फेक सिलेक्शन लेटर्स, मतलब जो फेक्स होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं बैंक के नाम पर कि बैंक हमें इतना पैसा दे दीजिए कि आपको हम लोग जॉब दे देंगे, 2 लाख 3 लाख 10 लाख रुपए तक लेते हैं बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पे। दोस्तों इन सब से मैं बोलना चाहूँगा बच के रहिएगा। कोई भी बैंक, किसी भी बैंक किसी भी एजेंट को नहीं रखता रिक्रूटमेंट करने के लिए। वो लोग अपना खुद का वेबसाइट में अपडेट डालते रहते हैं कहाँ पर क्या क्या नोटिफिकेशन निकल रहा है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं वही प्रोसेस आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए अंत तक इस वीडियो को। पहले मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने खोल लिया। खोलने के बाद यहाँ पर फेक सिलेक्शन लेटर्स दिखा रहा है, इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आपको दिख जाएगा जो भी रिक्रूटमेंट निकला है। यहाँ पर देखिए एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन SBI अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं आप एलिजिबल है कि नहीं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन SBI में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट है, ये डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद जो एक नॉर्मल जॉब का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही होगा, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे जॉब के लिए। ऐसे आपका रिक्रूटमेंट होगा, ना कि किसी एजेंट को पैसे दे के आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ। नेक्स्ट बैंक है, मैंने रखा है येस बैंक। येस बैंक हमने सर्च कर लिया, येस बैंक करियर करके। करियर करने के बाद ये जो लिंक है ये हम खोल लेंगे। इस खोलने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा, यहाँ से आपको ये वाला लिंक जो है ये ओपन कर लेना है क्लिक हेयर पे क्लिक करके। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रॉड के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है। सभी बैंक के करियर पोर्टल में आपको ये नोटिस मिल जाएगा, आपको बार बार अलर्ट किया जा रहा है किसी भी कोई भी व्यक्ति को आप पैसा मत दीजिए। तो देखते हैं अगला क्या स्टेप होगा। गॉट इट करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारा रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाएगा। ये इसके बाद आता है ICICI बैंक। ICICI बैंक हमने कैरियर लिख के सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा, यहाँ पर भी फ्रॉड का नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पर से जब जाएंगे यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका बहुत सारा प्रोग्राम है, सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रोबेबिलिटी ऑफिसर प्रोग्राम, ICICI बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे इनका खुद का प्रोग्राम है। ये सब आप ज्वाइन करके आप ICICI बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सिस बैंक आता है। एक्सिस बैंक हमने कैरियर लिख के सर्च कर दिया। एक्सिस बैंक को ओपन करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके जॉब के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। एक्चुअली में लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए कोई भी बैंक का रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं निकला है। आफ्टर लॉकडाउन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली में कोई रिक्रूटमेंट नोटिस निकलता है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया SBI में, SBI में कितना सारा रिक्रूटमेंट ऑलरेडी निकल चुका है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हुए तो। फिर देखिए एक्सिस बैंक में हम चलते हैं, यहाँ से हम क्लिक करेंगे एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आ जाने के बाद आप अपना सिटी और एक्सपीरियंस दे के सर्च कर सकते हैं आप किस जॉब के लिए एलिजिबल है। सर्च करने के बाद वो जॉब आपके पास आ जाएगा, उस वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने ऑलरेडी एक्सिस बैंक जो यंग बैंकर्स प्रोग्राम होता है, मैंने ऑलरेडी एक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। आप जाके आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना के रखा है। लास्ट डेट मैं बताया उस वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और एलिजिबल हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे HDFC बैंक हमने लिख लिया करियर करके। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा, नो मोर एंड अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से अप्लाई नाउ करके आप जिस जॉब के लिए एलिजिबल है उस जॉब के लिए आप ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए आपको कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिस जो नहीं मिलेगा, आफ्टर लॉकडाउन आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल सकता है, मतलब मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे बंधन बैंक के ऊपर मैं बहुत अच्छा एक वीडियो बना के रखा है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 12th पास के बेसिस पे या फिर ग्रेजुएशन पास के बेसिस पे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये जो पोर्शन है पूरा उस वीडियो में कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों ज़रूर देखिए उस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे, अभी बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है उस वीडियो से, तो फिर आपको भी इस वीडियो को देखना चाहिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर आई बटन से आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम पंजाब नेशनल बैंक, जो कि बहुत पॉपुलर बैंक है, वो बैंक का नोटिफिकेशन देख लेंगे। यहाँ पर भी दिखा रहा है कि जनरल नोटिस COVID-19 की वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक्चुअली में यहाँ पर ही आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिस होगा वो आएगा। मैंने आपको बता दिया कि किस किस प्रोसेस से आप बैंक का जो नोटिफिकेशन होता है कैसे ढूंढ सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर सचमुच में आपको जॉब चाहिए तो मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा, मैं डेली बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन लाते रहता हूँ बैंक जॉब के साथ साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को क्लिक करके रखेंगे तो आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, फिर आप वहाँ से नोटिस देख सकते हैं, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप चेक कर सकते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं, और एप्लीकेशन प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मंडे फ्राइडे और जो वेडनेसडे है इन 3 दिनों में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर लॉकडाउन हट जाएगा पूरा पूरी, जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब मैं डेली 8 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। लॉकडाउन हटने के बाद डेली 8 बजे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके मैं आ जाऊंगा, डेली 8 बजे मेरा नया वीडियो आ जाएगा। आप अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, आफ्टर लॉकडाउन मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। अभी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद जय भारत।